ऑनलाइन कक्षाओं में मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। विगत कक्षाओं में हम लोगों ने ऋग्वैदिक सभ्यता और उससे जुड़े हुए अर्थव्यवस्था के बारे में छात्रगण जाना था। आज छात्रगण हेडिंग बनेगा वैदिक काल से जुड़े प्रमुख साहित्य। वैदिक काल से जुड़े प्रमुख साहित्य देखेंगे छात्रगण। वेदांग देखिए इनकी संख्या 6 है। इनकी संख्या 6 है देखेंगे। नंबर एक शिक्षा, देखिए इसका अर्थ ध्वनि शास्त्र होता है। ध्वनि शास्त्र होता है। नंबर दो कल्प, देखिए इसका अर्थ धार्मिक आचार शास्त्र होता है। धार्मिक आचार शास्त्र होता है। नेक्स्ट निरुक्त, लिखे इसका अर्थ व्युत्पत्ति शास्त्र होता है। नेक्स्ट व्याकरण, इसका अर्थ साहित्य के विविध रूप से होता है या साहित्य के विविध रूप होता है। नेक्स्ट छंद, देखिए इसका अर्थ माप सिद्धांत होता है। नेक्स्ट छठा एंड लास्ट ज्योतिष, इसका अर्थ खगोल विज्ञान होता है। तो यह छात्रगण वेदों के अंग। पूछेगा वेदों के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं, इन्हें वेदांग कहा गया है छात्रगण। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिषी। ध्यान रखिएगा छात्रगण, बहुत हिट क्वेश्चन है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिषी, ये वेदों के अंग हैं जिन्हें वेदांग कहा गया है। इनके अर्थ भी आपको लिखाए गए हैं, अर्थ भी आपको याद रखना है और वेदों के 6 अंग के नाम याद रखने हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिषी। कविता टाइप तैयार कर लीजिए छात्रगण, है ना। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिषी। 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 एकदम इसको छात्रगण याद कर लीजिए, बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से पूछा जाता है।
एक एक चीजों पर पैनी निगाहें, एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा, एक एक चीजों का स्मरण करना होगा, एक एक चीजों को छतगन आपको याद रखना होगा। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ध्यान देंगे छतगन, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे छतगन, उपनिषद। उपनिषद लिखिए, उपनिषद शब्द का अर्थ पास या समीप बैठना होता है। उपनिषद शब्द का अर्थ पास या समीप बैठना होता है। नेक्स्ट, उपनिषदों की संख्या, संख्या 108 है। नेक्स्ट, उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है। वेदांत भी कहा गया है क्योंकि इनकी रचना सबसे अंत में हुई थी। सबसे अंत में हुई थी, हुई थी। नेक्स्ट, सबसे बड़ा उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद है तथा सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद है, है। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन के चार आश्रमों का उल्लेख। मनुष्य के जीवन के चार आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद, जबालोपनिषद में मिलता है, मिलता है। नेक्स्ट, भारत सरकार का आदर्श वाक्य, भारत सरकार का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, भगवान कृष्ण का प्रथम उल्लेख, प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, है। छतगन क्या आएंगे सवाल, गौर कीजिएगा। पूछेगा उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है, समीप बैठना, पास में बैठना, गुरुओं की वाणी को सुनना समीप बैठकर, यही उपनिषद का अर्थ है। उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वेदांत के नाम से जाना जाता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है छात्रगण, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है,
गौर करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहा गया है, उपनिषद को वेदांत क्यों कहा गया है? छतगन उपनिषदों की रचना सबसे अंत में हुई है। सभी वेदों अन्य ग्रंथों के रचनाओं के बाद उपनिषदों की रचना हुई है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा छतगन, प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त रूप से आता है। छतगन गौर करेंगे, याद रखेंगे और एक एक चीजों को ध्यान देंगे, एक एक चीजों को मनन करेंगे। पूछेगा उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, 108। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक है ना छतगन, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक। छतगन वृहद मतलब ही होता है बड़ा, ऐसे याद रखें। सॉरी, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक है छतगन। वृहद शब्द का अर्थ ही होता है बड़ा, बृहदारण्यक उपनिषद, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी होगी, याद रखना होगा और मनन करना होगा, छतगन सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य है ना, मांडू एक छोटे स्थान का नाम है छतगन, इसलिए सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, याद रखेंगे, क्योंकि जगह का नाम मांडू है छतगन, तो मांडू एक छोटा स्थान है, इसलिए सबसे छोटे उपनिषद का क्या नाम है? मांडुक्य उपनिषद। मनुष्य के जीवन के चार आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो छतगन यह मिलता है जबालोपनिषद में। छतगन भारत सरकार का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? छतगन भारत सरकार का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया छतगन? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी अध्ययन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा। मुंडकोपनिषद से लिया गया है भारत सरकार का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ध्यान रखेंगे छतगन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, इसलिए इस पर भी आपको पैनी निगाह रखनी होगी, इसे भी ध्यान देना होगा, इसे भी मनन करना होगा और इसे भी छतगन याद रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा। मुंडकोपनिषद से लिया गया है भारत सरकार का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। छतगन यहां एक कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं हो जाए, मांडुक्य और मुंडकों में अंतर है छतगन, मांडुक्य उपनिषद अलग है, मुंडकोपनिषद अलग है, दोनों चीज के अंतर को भी याद रखेंगे छतगन। मांडुक्य उपनिषद अलग है, मुंडकोपनिषद बिल्कुल अलग है छतगन, दोनों के अंतर को समझेंगे है ना। तो मांडुक्य उपनिषद जो है सबसे छोटा उपनिषद है और मुंडकोपनिषद भारत सरकार का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते इसी उपनिषद से लिया गया है, इसे भी छतगन आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से आता है। छतगन एक एक चीजों को पैनी निगाह रखनी होगी, एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा। छतगन दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी होगी, आपको याद रखना होगा, आपको मनन करना होगा और आपको गौर करना होगा, भगवान कृष्ण का प्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है छतगन, इसे भी ध्यान रखिएगा है ना। उपनिषद के पश्चात छतगन हम लोग आएंगे स्मृतियां, स्मृतियां देखेंगे छतगन। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। नारद स्मृति से गुप्त काल के बारे में
जानकारी मिलती है मिलती है। छगन पूछेगा सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। किस स्मृति ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? नारद स्मृति ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसे भी छात्रगण आपको याद रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइएगा छात्रगण, पुराण। पुराण इनकी संख्या 18 है, 18 है। सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है, पुराण है। छात्रों क्या सवाल आगे गौर कीजिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है, ध्यान रखेंगे छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। अब लिखेंगे छात्रगण, षड दर्शन, षड दर्शन, दर्शन लिखिए। ऋषियों के द्वारा उपनिषदों के दर्शन को 6 भागों में विभक्त किया गया है, 6 भागों में विभक्त किया गया है, किया गया है। नंबर 1, ऋषि पतंजलि का योग दर्शन, बहुत हेट क्वेश्चन है छात्रगण, ऋषि पतंजलि का योग दर्शन। नंबर 2, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन। नेक्स्ट, ऋषि गौतम का न्याय दर्शन, ऋषि गौतम का न्याय दर्शन। नेक्स्ट, ऋषि कनाद का, कनाद का वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन। नेक्स्ट, जैमिनी का, जैमिनी का पूर्व मीमांसा, मीमांसा दर्शन, जैमिनी का पूर्व मीमांसा दर्शन। नेक्स्ट, ऋषि बादरायन का, उत्तर मीमांसा, बादरायन का उत्तर
मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन, दर्शन। यह छात्रगण छह प्रकार के दर्शन और उससे जुड़े हुए विविध तथ्य, जिससे प्रतियोगिता परीक्षाओं में जबरदस्त रूप से सवाल पूछे जाते हैं, छात्रगण आपको इसे याद रखना होगा और एक एक चीजों को गौर करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा, एक एक चीजों को जो है छात्रगण दिमाग में सेट करके रखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। छात्रगण पूछेगा दर्शन कितने प्रकार के हैं, छह प्रकार के हैं। छात्रगण अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग दर्शन दिए हैं। छात्रगण ऋषि पतंजलि ने योग दर्शन दिया है, जो कि अभी आप बाबा रामदेव का देखते हैं योग दर्शन, पतंजलि का प्रोडक्ट उनका बिकता है, पतंजलि का योग दर्शन है ना। छात्रगण जैमिनी का पूर्व मीमांसा दर्शन, बादरायन का उत्तर मीमांसा दर्शन, छात्रगण गौतम का न्याय दर्शन, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है ना, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। छात्रगण पूछेगा खंड क को खंड ख से मिलान करें। खंड क में चार ऋषियों के नाम दे दिए जाएंगे, गौतम, कपिल, बादरायन, जैमिनी। उधर दे देगा दर्शन का नाम, बोलेगा गंगा जी हम लोग को मिलाइए। तो छात्रगण जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक इस प्रकार के प्रश्न क्या बन पाएंगे आपसे, नहीं बन पाएंगे छात्रगण। इसलिए आपको इसे जानना होगा, आपको इसे मनन करना होगा, आपको इसे स्मरण करना होगा, आपको इसे याद रखना होगा, आपको इसे गौर करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाहें रखनी होगी, ध्यान देना होगा और एक एक चीजों को गौर करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा। छात्रगण दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है और याद रखना है, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। दे देगा ऑप्शन है, नंबर एक कपिल डैश सांख्य दर्शन, गौतम डैश न्याय दर्शन, पतंजलि डैश योग दर्शन, जैमिनी डैश उत्तर मीमांसा दर्शन। तो ये गलत है छात्रगण, जैमिनी उत्तर मीमांसा दर्शन नहीं दिए हैं, पूर्व मीमांसा दर्शन दिए हैं है ना। जैमिनी ने कौन सा दिया है, पूर्व मीमांसा दर्शन। तो छात्रगण जब तक आप इन्हें याद नहीं रखोगे तब तक ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा छात्रगण। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है ना। नेक्स्ट लिखेगा छात्रगण ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, लिखिए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशीतकी है। कौशीतकी है। नेक्स्ट सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश षडविश है, पंचविश षडविश है। नेक्स्ट यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है। नेक्स्ट अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। गोपथ है। छत्कन प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, जिसे आपको याद रखना होगा। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है छत्कन, ऐत्रेय कौशीतकी है।
साम वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचवीस षडविश है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? सतपथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ है। इससे क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं छात्रगण, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाह रखनी होगी। एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा, एक एक चीजों को छात्रगण याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हेडिंग बनेगा छात्रगण संस्कार। संस्कार लिखे। वैदिक काल में संस्कारों की संख्या 16 बतलाई गई है। जो निम्न है, नंबर एक गर्भाधान। धान डाल देके लिखेंगे छात्रगण। गर्भधारण हेतु यह संस्कार किया जाता था। नेक्स्ट, पुंसुवन संस्कार। पुंसुवन संस्कार देखिए, गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता था। नेक्स्ट, सीमांतोनयन संस्कार। गर्भस्थ शिशु की रक्षा हेतु यह संस्कार किया जाता है। नेक्स्ट, जातकर्म संस्कार। ठीक है, शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने एवं शहद चटाने की प्रक्रिया को जातकर्म संस्कार कहते हैं। नेक्स्ट, नामकरण संस्कार। इसमें शिशु का नाम रखा जाता है। नेक्स्ट, निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार देखिए, घर से बाहर शिशु को पहली बार लाया जाता है। नेक्स्ट, अन्न प्राशन संस्कार
अन्न प्राशन संस्कार लिखे। इसके तहत शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। नेक्स्ट, चूआ कर्म संस्कार, इसके तहत शिशु का मुंडन किया जाता है। मुंडन किया जाता है। नेक्स्ट, कर्ण वेद संस्कार, कर्ण वेद संस्कार, संस्कार लिखे। इसमें शिशु का कान छेदा जाता है, जाता है। नेक्स्ट, विद्यारंभ संस्कार, गुरु के समीप ले जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। नेक्स्ट, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवित अर्थात जनेऊ धारण कर यज्ञोपवित अर्थात जनेऊ धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कराना एवं शिक्षा कार्य प्रारंभ कराना। नेक्स्ट, वेदारंभ संस्कार, वेदारंभ संस्कार, संस्कार लिखिए। इसके तहत वेद का अध्ययन आरंभ किया जाता है, आरंभ किया जाता है। नेक्स्ट, समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार, संस्कार लिखिए। इसके तहत अध्ययन की समाप्ति की जाती है, अर्थात शिक्षा पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट, विवाह संस्कार, पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर विवाह संस्कार में प्रवेश दिलाया जाता है, प्रवेश दिलाया जाता है। तथा गृहस्थ आश्रम प्रारंभ होता है।
नेक्स्ट, वानप्रस्थ संस्कार, संस्कार देखिए, 50 वर्ष की अवस्था पूरी होने पर वनों में जाकर साधु संतों के जीवन को देखना ही वानप्रस्थ संस्कार, संस्कार के तहत आता है। नेक्स्ट, अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार देखिए, मृत्यु के पश्चात अंतिम रूप से किया गया दाह संस्कार ही अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। छतगण, मनुष्य के जीवन के 16 संस्कार और उनकी विशेषताओं से सवाल पूछे जाएंगे। छतगण पूछेगा, संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। प्रत्येक संस्कार का क्या अर्थ होता है? छतगण, इतने सारे संस्कार हैं, गर्भदान, पुंसुमन, सीमांतोनयन, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, सुवा कर्म, कर्ण वेद, विदर्म, अंत्येष्टि, समावर्तन, है ना, सबके अपने अपने अलग अलग अर्थ हैं। छतगण, आप जब तक इन सभी के अर्थ नहीं जानोगे, आपसे सवाल नहीं बन पाएंगे। छतगण, आपको इन सब का अर्थ जानना है और इन संस्कारों के नाम भी याद रखने हैं। बोलेगा खंड का को खंड खा से मिलान करें, खंड का में 4 संस्कार का नाम दे देगा छतगण, सीमांतोनयन दे देगा, पुंसुवन दे देगा, कर्णवेद दे देगा और आपको उपनयन दे देगा, और खंड का में दे देगा उसका विषय, और बोलेगा गंगा जमुना को मिलाइए। तो छतगण, आप जब तक नहीं जानोगे तब तक क्या क्वेश्चन आपसे बनेगा? नहीं बनेगा छतगण। इसलिए आपको इसे याद रखना होगा, आपको इसे मनन करना होगा, आपको इसे अध्ययन करना होगा, आपको एक एक बातों को छतगण गौर करना होगा, एक एक चीजों को ध्यान में रखना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा। छतगण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है ना। अब हेडिंग बनेगा छतगण, मनुष्य के जीवन के 4 आश्रम, मनुष्य के जीवन के 4 आश्रम, आश्रम लिखे। नंबर 1, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम लिखे। जन्म से लेकर 25 वर्ष की अवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाती है। इसमें मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति करता है, प्राप्ति करता है। नंबर 2, गृहस्थ आश्रम, आश्रम 25 से 50 वर्ष की अवस्था, 25 से 50 वर्ष की अवस्था गृहस्थ आश्रम कहलाती है, है। इसमें मनुष्य सांसारिक जीवन जीता है, अर्थ का उपार्जन करता है, विवाह करता है तथा काम वासना की संतुष्टि करता है, संतुष्टि करता है, संतुष्टि करता है। नेक्स्ट, वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम लिखे। 50 से 75 वर्ष की अवस्था को
अवस्था को वानप्रस्थ कहा गया है। वानप्रस्थ कहा गया है। इस अवस्था में मनुष्य ईश्वर का ध्यान करता है और वनों में जाकर साधु संतों के जीवन को देखता है। नंबर चार, संन्यास आश्रम। आश्रम लिखे 75 से 100 वर्ष की अवस्था को संन्यास आश्रम कहा जाता है। संन्यास आश्रम कहा जाता है। इस अवस्था में मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करता है। कठोर तपस्या करता है एवं सांसारिक मोहमाया का माया का पूर्णतः त्याग कर देता है। पूर्णतः त्याग कर देता है। यह है छतगण मनुष्य के जीवन के चार आश्रम जिसे आपको ध्यान रखना होगा। पहला है छतगण ब्रह्मचर्य आश्रम। जन्म से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था जब मनुष्य शिक्षा ग्रहण करता है, इंद्रियों को वश में रखता है और अपनी शिक्षा की पूर्ति करता है, रोजगार की प्राप्ति करता है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम में आता है। जन्म से लेकर 25 वर्ष की अवस्था। इसके बाद आता है छतगण गृहस्थ आश्रम। 25 से लेकर के 50 वर्ष की अवस्था को गृहस्थ आश्रम कहा गया है। छतगण गृहस्थ आश्रम में मनुष्य क्या काम करता है? रोजगार प्राप्ति के पश्चात विवाह करता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, संतान की उत्पत्ति करता है, काम वासना की संतुष्टि करता है। छतगण तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। 50 से 75 वर्ष की अवस्था को मनुष्य के जीवन को वानप्रस्थ आश्रम में शामिल किया गया है। छतगण क्या है वानप्रस्थ आश्रम? वानप्रस्थ आश्रम के तहत मनुष्य वनों में जाता है, साधु संतों सन्यासियों के त्याग भरे जीवन को देखता है और उनके ही जैसा बनने की कोशिश करता है। चौथा आश्रम है छतगण संन्यास आश्रम। 75 से 100 वर्ष की अवस्था को संन्यास आश्रम कहा गया है। छतगण संन्यास आश्रम के तहत मनुष्य सांसारिक मोहमाया का पूर्णतः त्याग कर सन्यासी बन जाता है और जंगलों में मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करता है। यही मनुष्य के जीवन के चार आश्रम हैं जो कि जबालोपनिषद में वर्णित किए गए हैं। छतगण मनुष्य के जीवन के चार आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में वर्णित है, ध्यान रखेंगे छतगण। छतगण क्या है मनुष्य के जीवन के चार आश्रम? ब्रह्मचर्य जन्म से लेकर 25 वर्ष की अवस्था, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75, संन्यास 75 से 100। सबके अलग अलग कार्य भी हैं, उसे भी आपको ध्यान रखना होगा, गौर कीजिएगा। अब लिखेगा मनुष्य के चार पुरुषार्थ। चार पुरुषार्थ, मनुष्य के चार पुरुषार्थ। लिखे मनुष्य के जीवन में चार पुरुषार्थ बतलाए गए हैं। नंबर एक धर्म, धर्म। नंबर दो अर्थ, धर्म अर्थ काम
मोक्ष। धर्म अर्थात धर्म का पालन करना, अर्थ अर्थ का उपार्जन करना जीवन यापन के लिए, काम काम वासना की संतुष्टि करना, मोक्ष जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना, यही छतगन मनुष्य के जीवन के चार पुरुषार्थ बतलाए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पूछेगा मनुष्य के जीवन के चार पुरुषार्थ कौन कौन से बतलाए गए हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना, ये चार पुरुषार्थों को बतलाया गया छात्रगण। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा। छात्रगण मनुष्य के जीवन के चार आश्रम चार पुरुषार्थ को आपको ध्यान तो रखना ही है, साथ ही साथ हर उस पहलू को छात्रगण आपको ध्यान रखना है जो आपको लिखाया गया है, और आपको एक एक चीजों एक एक प्रतियोगिता परीक्षाओं में छात्रगण बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। छात्रगण आज कक्षाओं को हम लोग यहीं पर विराम लगाएंगे, अगली कक्षाओं में छात्रगण हम लोग जानेंगे मनुष्य के जीवन में वैदिक काल में कौन कौन से विवाह संस्कार थे, अनुलोम विवाह किसे कहते थे, प्रतिलोम विवाह किसे कहते थे, प्रशंसनीय या अच्छे प्रकार के विवाह कौन से थे, निंदनीय या बुरे प्रकार के विवाह कौन कौन से थे, और साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक अवस्था, सामाजिक एवं धार्मिक अवस्था, उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसे थी, इस बारे में भी हम लोग छात्रगण जानकारी प्राप्त करेंगे। कल की कक्षाओं में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबों को मेरी शुभकामनाएं, हृदय से आशीर्वाद।